भले ही बड़े शहर जो हैं वो अभी कब्जे में नहीं आए हैं रशिया के, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये कि बर्डियांस्क पर हो गया है कब्जा। और राजधानी कीव को लेकर एक बहुत बड़ी खबर, राजधानी कीव से कर्फ्यू हटाया गया, छात्रों को रेलवे स्टेशन जाने को कहा गया है और छात्र ट्रेन से यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में जा सकते हैं। इस बीच राजधानी कीव से ये एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है क्योंकि जंगी हालात को देखते हुए यहां पर कर्फ्यू तामील कर दिया गया था और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन अब राजधानी कीव से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया गया है। राजधानी कीव में अब वीकेंड कर्फ्यू हटा दिया गया है, इससे लोगों को यहां से निकलने में आने जाने में अब आसानी होगी। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। गुरजीत सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। प्रोफेसर अंशु जोशी फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल टीपी त्यागी साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। टीपी त्यागी साहब, ये बर्डियांस्क शहर की जो खबर सामने आई है, पूरी तरह से रशियन फौजों का यहां पर कब्जा हो गया है, जो शहर के मेयर हैं वो भी इस खबर को कंफर्म कर रहे हैं, ये यूक्रेन की फोर्स के लिए इस वक्त कितना बड़ा झटका? रशिया यही चाहता था, जैसे बर्डियांस शहर पर कब्जा हुआ है ऐसे ही वो एनसर्कलमेंट करके और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल वहां के इंस्टॉलेशंस पे डाल के यूक्रेन को डरा के सरेंडर कराना चाहता था। कोई भी आर्मी बिल्टअप एरिया में ऐसे बचती है, अब वो बिल्टअप एरिया में कीव में खारकीव में सुमी में फंस गया है। बिल्टअप एरिया के लिए हमको भारी हथियारों की नहीं लाइट हथियारों की आवश्यकता होती है, जैसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर या छोटे बम, और इनका जो स्टोरेज है वो कोई भी देश 3-4 रोज से ज्यादा का नहीं करता। ठीक है सर, आएंगे आपके पास, लौटेंगे सर। एक बड़ी खबर आ रही है वो पहले शेयर कर देते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।